ऑफ एनी क्वांटिटी, जब हम किसी भी क्वांटिटी के कंपैरिजन की बात करते हैं, क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर वेट, इट कैन बी योर हाइट, इट कैन बी योर मार्क्स, इट कैन बी द मनी, इन सब का कंपैरिजन करना है। हमने तीन तरह से कंपैरिजन करना सीखा था। वी स्टडीड टू कंपेयर क्वांटिटी बाय थ्री वेज। फर्स्ट वन वाज थ्रू रेशियो, रेशियो की हेल्प से कंपेयर कर रहे थे। सेकंड वन वाज थ्रू फ्रैक्शन एंड थर्ड मेथड वाज टू परसेंटेज। ठीक है, इन तीन तरीकों से थ्रू दीज थ्री मेथड वी कंपेयर्ड वेरियस क्वांटिटीज। बाय क्वांटिटीज आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। किलोग्राम में कुछ कोई चीज है या मार्क्स है या एनीथिंग। ओके, सो एक बार उसी को ही आज की क्लास में हम क्विकली रिकैप करेंगे। ठीक है, विल रिकैप दिस थिंग क्विकली इन टुडेज क्लास। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो, हु विल टेल मी? चलो एनीवन, व्हाट एग्जैक्टली इज रेशियो? रेशियो याद आ रहा है किसी को कि भूल गए हो? याद नहीं है? अच्छा, हैंड रेस किया है पार्टिसिपेंट्स ने। ठीक है, ओके, यस, बताओ भाई क्या होता है रेशियो? ओके कार्तिक, अनम्यूट कर लो, माइक ऑन है, अनम्यूट कर लो। Sir, when two things of same quantity are compared, same unit में हो, ठीक है, कोई भी दो चीजें जो कि same unit में हो, उनको हम compare करते हैं। We are comparing them through fraction. Same unit का मतलब कि for example अगर मैं weight का comparison की बात कर रहा हूँ, तो weight दोनों क्या होना चाहिए? दोनों किलोग्राम में होने चाहिए, ठीक है? अगर मैं height की बात कर रहा हूँ, तो दोनों height क्या होने चाहिए? सेंटीमीटर में होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब मैं सेम यूनिट में क्वांटिटीज का कंपैरिजन करता हूं तो उसके रेशियो बोलते हैं। और रेशियो कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन पहले हम देखते हैं, फ्रैक्शन आती है, फ्रैक्शन को फिर हम रिड्यूस करते हैं ना, वी रिड्यूस द फ्रैक्शन, और फिर जो बचता है वो रेशियो आ जाता है ना। जो न्यूमरेटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो राइट हैंड साइड पे आ जाता है। ओके, सो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अ बास्केट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एक टोकरी में दो तरह के फल हैं, एप्पल और ऑरेंजेस। अब उस बास्केट में 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है? सो देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा? तो वही अपने को देखना है, रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल, ठीक है? टू जो साइन है वो किसका है? इज टू, ये टू डॉट्स होती है, दिस मींस इज टू, ठीक है? सो ऑरेंजेस पहले आ रहा है, न्यूमरेटर में ऑरेंजेस वुड बी 5 एंड एप्पल इज कमिंग आफ्टर वन, सो इट वुड बी डिनोमिनेटर। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करके क्या आ जाएगा? 1/4 इसको अभी ये फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में करना है, हाउ विल यू राइट? 1:4, दिस इज द रेशियो। ऐसे कुछ लिखेंगे, कुछ ऐसा ही किया था हमने 6th-7th में। अब अगर मैं रेशियो ऑफ ऑरेंज टू टोटल फ्रूट निकालूं, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे टोटल फ्रूट पता करने हैं, टोटल फ्रूट्स कितने हैं? कितने? 25 है, 20+5, ओके, देन रेशियो कितना आ जाएगा? ऑरेंजेस 5, टोटल फ्रूट्स इज 25, सो रिड्यूस करके मुझे मिला 1:5, और ये रेशियो में 1:5 हो जाएगा। कुछ यही हमने सीखा था इन द प्रीवियस क्लासेस 6th and 7th। ओके, रेशियो के अलावा हमने फ्रैक्शन से भी सीखा था ना, फ्रैक्शन आप समझ रहे हैं,
जैसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स फ्रैक्शन में 1/4 आया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शन में, कैसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स, ना कि जो ऑरेंजेस है वो एप्पल का 1/4 है, इस तरह से कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका था, फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम परसेंटेज की हेल्प से हम कंपेयर कर ले रहे थे, कंपैरिजन यूजिंग परसेंटेज। अब देखो ये फ्रैक्शन थी 5/20, ये रेशियो में 1:4 आया, ठीक है, ऐसे कर सकते थे। अब इसी को अगर परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज पर सेंट, पर सेंट मींस 100 पर 100, ठीक है, तो मतलब 100 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे और प्रोडक्ट करने पे आंसर वाज कमिंग एज 25%। ये तो सबको याद है ना भाई, बस बेसिक रिवीजन है, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसी का माइक ऑन, कार्तिक म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, ओके ठीक है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई होप, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। देर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकालनी है, टोटल फ्रूट्स का कितना परसेंटेज है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्या आएगा फ्रैक्शन में, इफ यू आर कन्वर्टिंग, यस 20, 20 कैसे आएगा, 5/25, ठीक है, ये फ्रैक्शन आ गया और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, 100 तो मल्टीप्लाई करने क्या मिल रहा है आपको, 8% मिल रहा है। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 8% ऑफ द टोटल फ्रूट्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, सर 20% अब अगर मैं आपसे कहूं कि 25 फ्रूट में से 5 ऑरेंजेस थे, क्या बचा आपका, लेट अस से 10 एप्पल है और क्या बच गया हमारा, 10 हमारे लेट्स से लीची है, तो बताओ लीची का परसेंटेज, बताओ लीची का परसेंटेज निकालो कितना आएगा, 50% पक्का, सॉल्व तो कर लिया करो, सीधे आंसर बोलना होता है तभी 8% आ रहा है, 40%, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है, साथ साथ आई होप आप लोग सॉल्व भी कर रहे हो, जिसको याद नहीं है ऐसे कर लो, याद हो जाएगा फिर, ओके नेक्स्ट। इन अ क्लास देयर आर, और देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 100 बच्चों की क्लास है, उसमें से 60% गर्ल्स है, ठीक है, 60% गर्ल्स है, ओके हमें फाइंड करना, यहां पे फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, 60 100 का ही आ रहा है, 100% का ही देखते हैं हम, 100% पे ही देखते हैं, ठीक है, सो 60 गर्ल्स पुट विद इट, 60 गर्ल्स फाइन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 40 बॉयज, ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, 3:2, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 60, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 40, तो इसको रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने पे 6/4 आया, उसको फर्दर रिड्यूस किया 3/2 आया, तो रेशियो हो जाएगा 3:2 का, ओके। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है आपने, 2:5 है, टोटल स्टूडेंट्स 100 है, तो 2:5 40 100 रिड्यूस हुआ 4/10,
और फर्दर रिड्यूस किया 2/5, ठीक है। इसको रिड्यूस करना नहीं आ रहा, मैं कैसे कर रहा हूँ? रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। जैसे 4 और 10 का HCF 2 है, सो 2 से डिवाइड करने पर 2/5 मिला, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई भाई। सो रेशियो इज 2:5, दिस इज द रेशियो। ओके, देन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि खाली आसान तो करेंगे नहीं, लिखते भी रहो। यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स एंड यूज योर हैंड्स, यूज ऑल द 3 बॉडी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन आर बॉयज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का कितना फ्रैक्शन है? 4/10 हो गया, so 2/5, you can say boys are 2/5 of total number of students. Ayush mute your mic, Ayush mic mute karo. Okay, yes, if 5 boys and 5 girls have been transferred, अब 100 में से 5 बॉयज ट्रांसफर हो गए, 5 गर्ल्स ट्रांसफर हो गए, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बॉयज हु वर ट्रांसफर्ड? 5% कितना होगा? 5/2 क्यों होगा भाई, जिस टोटल में से ट्रांसफर देखा होगा ना, टोटल कितने थे पहले? पहले टोटल स्टूडेंट्स में से पूछा, टोटल स्टूडेंट्स आर 100, 5/100 हुआ ना, तो 1/20, 5/100 × 100 आपने किया, कितना हुआ? 5% हुआ, 5% ऑफ बॉयज वर ट्रांसफर्ड, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज, इफ 20 न्यू बॉयज हैव बीन एडमिटेड टू द क्लास, अब उस क्लास में 20 नए बच्चों का एडमिशन हो गया, ठीक है। सो अब बताओ व्हाट इज द न्यू परसेंटेज, देखो टोटल स्टूडेंट्स भी चेंज हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स भी चेंज हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज भी चेंज हुए हैं, 120 टोटल, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, पहले थे 40, अब हो गए 60, 40+20 60 हो गए, 40 और 20, और टोटल कितने हो गए, 120, 100, ठीक है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 60/120 × 100, 72% कैसे आ रहा है भाई, 72% कैसे आ रहा है, 50% आता, हाँ, 1/2 × 100 = 50%, ऐसे होगा, ठीक है। ओके, सो इस तरह से अब हम क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है, अगर परसेंटेज दी गई तो नंबर निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन कर, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, ठीक है, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये रेशियो है, हमको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे 1:1, 1:4 है, इसको परसेंटेज में कैसे करोगे भाई, 1/4 × 100, बिल्कुल, ठीक है, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यस, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 25%, ठीक है, 25% आ रहा है, तो 1/4 × 100 किया आपने, 25 आया, इसका कितना आ रहा है, 4/3 × 100 का, 133.33, देखते हैं, 3, ये 33.33% होता है, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, लगभग वही आएगा, 30 × 4 = 120, 3 × 4 = 12, तो हाँ 133 के आसपास ही आएगा, यस सर, 133.33%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 75% ऑफ 50 स्टूडेंट्स का 75% क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, इनको क्रिकेट खेलना पसंद है,
हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, कितने बच्चे क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, नंबर पूछा है हाउ मेनी, ध्यान देना कि मुंह खोल के 25% बोल दिया नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, अब तुमको ये आइडिया लगेगा कि 25% इंटरेस्टेड नहीं है, 25% इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये 25% 50 का कितना है वो आपको निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ, 25% ऑफ 50 किसी भी नंबर का निकालना हो। यस कार्तिक बताओ, अरे बोलो भाई कैसे निकालोगे, अरे अनम्यूट कर लो माइक ऑन है कार्तिक। ओके समीक्षा आप बोलो, बोल दे रहा 25 by 50 into 100 सही बोल रही है कार्तिक, इसकी सेलिंग करेक्टली सही बता रही क्या, देखो एक बार सर उसका आंसर तो फिर 50 आ रहा है। देखो अब मेरी बात सुनो, अब देखो जब भी इस तरह से, हाँ बोलो सर, 25 by 100 into 50 तो कितना आएगा बताओ, 12.5। क्या कोई स्टूडेंट पॉइंट में आ सकता है, है? नो सर, 12.5 आंसर सही है, आंसर सही है 12.5 है, ठीक है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आए, मैंने क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये नहीं होना, पॉइंट पर नहीं आता है, तो इस तरह से आए तो या तो 12 करना या 13 करना है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो मेरा, मैं यहाँ ये समझाना चाहता था किसी भी नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना, कैसे निकालोगे, समीक्षा ने जैसे बताया 25/100 किया आउट ऑफ 100, ठीक है, इनटू 50 किसी का भी निकालना, और उसको जब आप करते हो तो आपको मिलेगा 12.5 स्टूडेंट तो पॉसिबल नहीं है, कोई होल नंबर भी होना चाहिए, तो यार इट विल बी हम 13 ले लेंगे, 13 स्टूडेंट्स ले लेंगे, ठीक है। ओके चलो आपको अब एक बार निकालो, 15% ऑफ 225 निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है, 15% ऑफ 225 निकाल के बताओ भाई, पता है कैसे करोगे, 15/100 × 225 33.75 कितना, तो अगर आप देखो इसके लास्ट में क्या लगाया, 25 लगाया, मतलब ये 225 से डिविजिबल है, इसके लास्ट में डबल जीरो तो डिविजिबल 25 से, 25 मल्टीप्लाई करते हो 100 से, ठीक है। लेकिन जब आपको किसी होल नंबर का परसेंटेज निकालना है, पहले से दिया गया है, तब आप रिवर्स ऑपरेशन करोगे, आप 100 से डिवाइड करो, ऐसे याद रखना, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, रिवर्स ऑपरेशन। ओके हाँ भाई कितना आया, 33.75 आ रहा है, 33.75 नहीं 75 बोलो, 75 नहीं बोलेंगे, डेसिमल के बाद 0.75 ऐसे कॉपी कर दिया चैट में कि वास्तव में आ रहा है, सच में आ गया, नहीं सर सच में आया, 25 नाइन्स आर 225 होता है और 15 नाइन्स का कितना होता है 135 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 4 threes are 12 15 सो 4 threes are 12 हाँ 33.75 आएगा, ठीक है भाई। ओके सॉल्व करते हैं ना साथ साथ, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप निकालो 10% ऑफ 640 इजी है, तो क्या निकालना है, क्वेश्चन दिया है 10% ऑफ 640
64 उसका आंसर 64 हो जाएगा 64 चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मुंबई इंडियंस मैचेस हाँ मुंबई इंडियंस 1-3 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इफ देयर विन परसेंट वाज 60 हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल मुंबई इंडियंस ने 3 मैचेस जीते हैं ठीक है टोटल मैचेस हमको पता नहीं है ठीक है लेकिन उनका जो विन परसेंट है वो दिया गया है 60% हाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल कितने मैचेस उन्होंने प्ले किए ठीक है तो कैसे निकालेंगे विन परसेंट क्या होता है विन अपॉन टोटल मैचेस जो थे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यही करते थे हम यही कर रहे थे और विन परसेंटेज दिया गया 60 के इक्वल है 3 अपॉन टोटल मैचेस इनटू 100 यही होगा ओके और जब आप इसको सॉल्व करोगे टोटल को इस साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे 3 अपॉन 60 इनटू 100 और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा 5 ठीक है टोटल 5 मैचेस उन्होंने प्ले किए किसने मुंबई इंडियंस ठीक है फाइन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ तारक स्पेंड्स 80% अरे आंसर पहले मत बोलो ठीक है तुम सॉल्व कर दो वेट मुझे भी कुछ पढ़ा लें तो भाई हाँ जब पूछूं तब बताओ दूसरा क्वेश्चन कर लो हाँ तारक अपनी सैलरी का 80% सैलरी स्पेंड करता है खर्च करता है और 4,000 रुपए सेव करता है तारक की सैलरी है ठीक है सैलरी 100% है सबको ये म्यूट करूंगा अब मैं ही पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा तुमसे नहीं पूछूंगा आपका यस ठीक है उसमें से वो 80% को स्पेंड कर दे रहा है और जो बच गया कितना बचा 20% बचा उसको वो सेव कर रहा है और ये सेविंग कितनी दी है 4,000 रुपए सेविंग कितनी है 4,000 रुपीज के बराबर है ठीक है सो हमसे क्वेश्चन ने पूछा गया है उसकी सैलरी फाइंड करनी अब सेविंग अपने को दिया गया है इट मींस 20% इज इक्वल टू 4,000 अपॉन सैलरी इनटू 100 यही होगा टोटल सैलरी का फ्रैक्शन इनटू 100 जो है अब 20% अपने को दिया गया तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं यहां पर ओके देन सैलरी आ जाएगा ट्रांसपोज होके लेफ्ट हैंड साइड पे 4,000 अपॉन 20 इनटू 100 हमने किया अब क्या आया आंसर ये करने पे कितना बताया थे आंसर 20,000 कहा था तो उसकी सैलरी 20,000 ठीक है उसका एक्सपेंडिचर कितना है उसका 16,000 ये देखो एक मिनट सेविंग उसकी 4,000 रुपीज दी गई है ठीक है अब क्वेश्चन को ध्यान से दो 80% वो अगर स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 20% सेव भी कर रहा है ना तो सेविंग परसेंटेज कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा सेविंग परसेंटेज दिस विल बी इक्वल टू 20% ओके ये तो क्लियर है अब सेविंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम सेविंग अपॉन किस पे निकाल रहे हो सेविंग किस पे कर रहा है सैलरी पे कर रहा है अपॉन सैलरी फॉर्मूला नहीं है मतलब सिंपल जिसपे हम करते हैं फ्रैक्शन करेंगे ना सैलरी का ही फ्रैक्शन है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ठीक है नाउ सेविंग कितनी दी गई है 4,000 रुपीज हमको दिया हुआ है सेविंग इज गिवन एज 4,000 रुपीज हमको लेकिन सैलरी नहीं पता है सैलरी को हमने वही रखा ठीक है आप चाहो तो उसको वेरिएबल ले सकते हो एक्स ले सकते हो अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सैलरी आ गया आपका ट्रांसपोज होके लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक है 4,000 इंटू 100 और
यहाँ आपका जो 20 था लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज होकर नीचे आया डिनोमिनेटर बना, जो आप सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा 20,000 आएगा सैलरी। इस तरह से दिस विल कम आउट। आपके बुक में काफी सॉल्व एग्जांपल्स है, आप उसको भी कर सकते हो। वेरी वेरियस सॉल्व एग्जांपल्स आर देयर इन योर बुक, यू कैन डू दैट आल्सो। थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, योर कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर अ लॉट थ्रू दैट थिंग, ठीक है। सो